हे गाइस, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू आवर चैनल प्राइम एक्सप्लेन। तो क्या आप लोगों को पता है कि डीसी के कौन से ऐसे एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा। अगले 2 मिनट में आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो फर्स्ट एक्टर की बात करें तो ये है मिस्टर हीट लेजर, एके बेस्ट जोकर एंड ग्रेटेस्ट विलन ऑल द टाइम। और इतने अच्छे एक्टर को ऑस्कर अवार्ड ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है डार्क नाइट मूवी के लिए, जो की आई थी 2008 में एंड इसका IMDb रेटिंग है 9 का। ये लिस्ट में नेक्स्ट एक्टर की बात करें तो ये है मिस्टर रसल क्रो, जो की हमें दिखने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर में ज्यूस के रोल में। जस्ट किडिंग गाइस, ये हमें दिख चुके हैं मैन ऑफ स्टील मूवी में एज ए सुपरमैन के फादर जोर एल के रोल में। इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था इनकी मूवी ग्लैडिएटर के लिए, जो कि आया था 2000 में एंड इसका IMDb रेटिंग है 8.5 का। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबा दें। नेक्स्ट एक्टर की बात करें तो ये है जेरेमी आयरन्स, इन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में एल्फर्ड का रोल किया था एंड इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था इनकी मूवी रिवर्सल ऑफ फॉर्ट्यून के लिए, जो कि आई थी 1990 में एंड इसका IMDb रेटिंग था 7.2 का। नेक्स्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये है वियोला डेविस, ये हमें दिख चुकी है जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड एंड पीसमेकर में एज ए अमांडा वॉलर। और इनको भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है इनकी मूवी फैंसेस के लिए, जो कि आई थी 2016 में एंड इसका IMDb रेटिंग है 7.2 का। तो अगले एक्ट्रेस की बात करें तो ये है निकोल किडमैन, जो कि हमें एक्वामैन मूवी में दिख चुकी है एज ए एक्वामैन की मदर, जिसका नाम था एटलाना। एंड गाइस, इनको भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है इनकी मूवी द आवर्स के लिए, जो कि आई थी 2002 में एंड इसका IMDb रेटिंग है 7.5 का। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अभी भी कुछ ऐसे एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, उसमें से तो एक ने बैटमैन का भी रोल किया है। और गाइस, अगर आपको ये नहीं पता है कि मार्वल के कौन से एक्टर एंड एक्ट्रेस को ऑस्कर अवार्ड मिला है तो वो वीडियो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो प्लीज उसे भी चेकआउट कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।